अंतरिक्ष बहुत विशाल, अद्भुत और आकर्षक है। रात में टिमटिमाते हुए तारों के खूबसूरत दृश्य का अनुभव तो आप सबने किया ही होगा, लेकिन अंतरिक्ष जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही डरावना है और अपने अंदर अनगिनत डरावने रहस्य समेटे हुए हैं। अंतरिक्ष के बारे में एक तथ्य ये भी है कि इसमें मौजूद छोटी से छोटी चीज हमारी धरती को पूरी तरह नष्ट करने के लिए काफी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ये चीजें हमसे बहुत दूर हैं और बहुत कम ही चांस हैं कि ये हमसे कभी टकराएं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतरिक्ष पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि कोई तारा हमारी धरती से टकराए और इसे पूरी तरह नष्ट कर दे या कोई ब्लैक होल हमारी पूरी पृथ्वी ही निगल जाए, आइए जानते हैं अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो आपको इसे और करीब से जानने में मदद करेंगे। कहा जाता है कि प्रकृति खालीपन यानी वैक्यूम को नष्ट करती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंतरिक्ष का 99.9% भाग वैक्यूम यानी खाली है और हमारी गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वे कहते हैं वो एक अनजान खाली जगह की ओर खिंचती जा रही है, जिसे साइंटिस्ट्स ने द ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया है। यह हमारी गैलेक्सी को बहुत धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि एक दिन हमारी गैलेक्सी इसमें पूरी तरह समा जाएगी और नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अंतरिक्ष में कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी कि अंतरिक्ष में मौजूद हर चीज मूव कर रही होती है। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारी गैलेक्सी द ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ 13 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से खिंचती जा रही है। हालांकि द ग्रेट अट्रैक्टर इतना दूर है कि ऐसा होने में अभी करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, पर फिर भी हमें यह एहसास रहना चाहिए कि अंतरिक्ष में इस चीज का फैसला बहुत पहले ही हो चुका है और करोड़ों साल बाद ही सही, पर एक दिन ऐसा भी होगा जिस दिन हमारी गैलेक्सी पूरी तरह द ग्रेट अट्रैक्टर में समा जाएगी और खत्म हो जाएगी। ब्लैक होल्स के बारे में आप सबने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा या सुना ही होगा। यह अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक ऐसा हाई ग्रेविटी ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि इसमें से रोशनी भी नहीं बच पाती। अगर हमारी पृथ्वी इसके आसपास भी पहुंच जाए तो पल भर में नष्ट हो जाएगी। हालांकि ये सभी पृथ्वी से करोड़ों लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष दूर है और ये काफी राहत की बात है कि पृथ्वी इन सभी ब्लैक होल से करोड़ों वर्ष दूरी पर है। पर क्या होगा अगर ये ब्लैक होल ही पृथ्वी के पास पहुंच जाए? क्या ऐसा सच में मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। और हाल ही में एक ऐसा ब्लैक होल देखा गया है जो बाकी ब्लैक होल्स की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब है। ये और भी ज्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि एक तो ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब है और दूसरी बात इसकी रफ्तार 30 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार। इसका नाम B31715+425 रखा गया है। हालांकि इस रफ्तार से भी ये धरती तक पहुंचने में अभी करोड़ों वर्ष लगाएगा। बस हमें दुआ करनी चाहिए कि इसकी रफ्तार और तेज ना हो जाए। अब आप सोचेंगे कि इस ब्लैक होल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा भी क्या खास है? दरअसल ज्यादातर ब्लैक होल्स गैलेक्सी के अंदर होते हैं और गैलेक्सी के साथ ही अंतरिक्ष में घूम रहे होते हैं, पर यह ब्लैक होल जिसे B31715+425 कहते हैं यह अपने आप में खास है। और यह खास इसीलिए है क्योंकि यह किसी गैलेक्सी से जुड़ा नहीं है। इसकी गैलेक्सी बहुत पहले ही अन्य गैलेक्सी से टकराकर नष्ट हो चुकी है और अब यह अंतरिक्ष में काफी तेजी से भटक रहा है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि यह हमारे सूरज से करोड़ों गुना बड़ा है और अगर यह हमारे आसपास भी पहुंच जाए तो हमें इसकी भनक तक नहीं लगेगी, सब कुछ एक पल में ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, क्या होगा अगर किसी दिन आप उठें और आपको पता चले कि दुनिया से इंटरनेट, मोबाइल, बिजली और बिजली से चलने वाले सारे उपकरण नष्ट हो चुके हैं? ये सब सुनने में एक डरावने सपने या किसी हॉरर मूवी की तरह लग सकता है, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसा भी मौजूद है जो हमें एकदम से नष्ट तो नहीं करेगा लेकिन बिना चेतावनी के दुनिया को अंधेरे में डाल सकता है, यानी कि बिजली और बिजली से चलने वाले सारे उपकरण नष्ट हो जाएंगे और हम अपने पूर्वजों की तरह रहने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि यह खतरा हमें किसी और से नहीं, हमारे सौरमंडल के इकलौते तारे सूरज से ही है। जिस तरह धरती पर तूफान आते हैं उसी तरह सूरज की सतह पर भी हलचल होती रहती है और कभी कभी यह हलचल विकराल तूफानों का रूप ले लेती है जिन्हें हम सोलर स्टॉर्म्स भी कहते हैं। और ये सोलर स्टॉर्म्स कभी कभी इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि सूरज की सतह से करोड़ों मील दूर तक यूवी रेडिएशंस और ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है। अगर ऐसे किसी तूफान की सौर ऊर्जा के सामने पृथ्वी आ जाए तो इसके रेडिएशन और एनर्जी धरती पर मौजूद सभी इलेक्ट्रिक चीजों को नष्ट कर देंगी
और हम अचानक उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। अब आप एक सेकंड के लिए भी ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुलाई 2012 में सूरज की सतह पर 150 सालों में सबसे भयानक तूफान आया था, जिसके कारण काफी मात्रा में रेडिएशन और एनर्जी अंतरिक्ष में रिलीज हो गए थे। और हम लकी थे कि हमारी धरती इस समय अपने ऑर्बिट में 7 दिन पीछे थी, सिर्फ 7 दिन। यानी कि अगर ये तूफान मात्र 7 दिन बाद आया होता तो शायद आज आप ये वीडियो ना देख रहे होते, शायद हमने ये वीडियो बनाया ही ना होता, और मुमकिन था कि आप में से कुछ दिए जलाकर अपने घरों में बैठे होते। हाल ही में 29 अप्रैल 2020 को एक उल्कापिंड यानी मीटियोराइट धरती के काफी करीब से गुजरा, और आप सबने इसके बारे में न्यूज, फेसबुक या अन्य जगह पढ़ा या सुना ही होगा, क्योंकि इसकी जानकारी हमें काफी पहले से थी। और सबसे अच्छी बात, यह पृथ्वी से टकराया नहीं, पास से गुजरा था। पर क्या होता अगर यह हमारी पृथ्वी से टकरा जाता, या हमें जानकारी ही ना होती कि कोई उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। दोस्तों, हम काफी लकी हैं कि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसे मीटियोराइट्स का पता चल जाता है जो पृथ्वी से टकराने वाले हैं या आसपास से गुजरने वाले हैं। और अगर कोई मीटियोराइट पृथ्वी से टकराने वाला होता भी है तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम उनका रास्ता बदल देते हैं। लेकिन इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमें यह पता होना चाहिए कि अगर अंतरिक्ष चाहे तो पल भर में पृथ्वी नष्ट हो सकती है, और 2013 में हुई घटना इसका ताजा सबूत है। एक उल्कापिंड रशियन स्पेस एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया था, और हम लकी थे कि अपने आप अननोन रीजंस की वजह से छोटे छोटे 300 से ज्यादा टुकड़ों में टूट गया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो परिणाम शायद कुछ और होते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धरती पर सबसे बड़े जीव डायनासोर का विनाश भी एक ऐसे अंतरिक्षीय घटना के कारण ही हुआ था। दोस्तों, हमने कहानियों में सुना है कि एक राजा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरे राजा पर हमला कर देता था और उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उसे और बड़ा बना देता था। ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में भी कई ऐसे तारे हैं जो हकीकत में अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए दूसरे तारों को अपने आप में मिला लेते हैं, या ऐसा कहिए दूसरे तारों को खा जाते हैं। इन्हें वैम्पायर स्टार्स कहा जाता है। इस तरह के तारे अपने आसपास के छोटे तारों की ऊर्जा को पूरी तरह खींच लेते हैं, और कभी कभी इनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं और अंत में फट जाते हैं, जिससे सुपरनोवा का निर्माण होता है। इनके फट जाने का मूल कारण दूसरे स्टार्स में से खाई गई बहुत अधिक ऊर्जा होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा।